नेक्स्ट आते हैं गो बैक एन। गो बैक एन इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। ये आता है स्लाइडिंग विंडो, पहले वाला स्लाइडिंग विंडो नहीं था क्योंकि उसमें विंडो ही एक थी, इसमें विंडो थोड़ी बड़ी है। अब इसमें याद रखना गो बैक एन में विंडो का साइज हमेशा याद रखना, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मैं वैसे आपको सीधा ही बता देता हूँ, ये थ्योरी वाले पॉइंट मैं बीच बीच में इसलिए लिखवा देता हूँ ताकि आपको जो है नोट्स बनते रहे। यहां पे अगर हम बात करें सेंटर का साइज, सेंटर की विंडो का साइज होता है 2^m-1, नीचे -1, और रिसीवर का साइज होता है 1। हमेशा याद रखना सेंटर का साइज, विंडो का साइज 2^m-1 और रिसीवर का सिर्फ 1। अब यहां पे m क्या है, m है सीक्वेंस नंबर को कितनी बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से सीक्वेंस नंबर को मैं 2 बिट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो m की वैल्यू 2 नहीं है, m की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से दो मेरे पास दो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब रिप्रेजेंट मैं करने के लिए मेरे को दो की जरूरत है, तो यानी टोटल नंबर्स कितने होंगे, 0, 1, 2, 3। गेटिंग द पॉइंट, वही जैसे हम बाइनरी में करते हैं कि दो बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, या आप कह सकते हो 0001 1011, 0 से लेकर 3 तक रिप्रेजेंट करने कितने बिट लगेंगे, 2। 0 से लेकर 7 तक कितने बिट लगेंगे, 3। 0 से लेकर 15 तक 4 बिट। तो वही हम यहां पे कह रहे हैं 0 से 15 तक 4 बिट। यहां पे हम कह रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट्स रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हो कि टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर देयर आर 2 बिट्स रिक्वायर्ड, देन हाउ मेनी सीक्वेंस नंबर, 2^m। तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर क्या हो गए, 4। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, यहां पे भी हमने क्या कर दिया 0, 1, 2, 3, यहां पे भी हमने 0, 1, 2, 3, सिंक्रोनाइज चलता है 0, 1, 2, 3 के बाद दोबारा से फिर 0, 1, 2, 3, इधर भी 0, 1, 2, 3, इस तरीके से सिंक्रोनाइज होती है, पहली सिंक्रोनाइज होती है। अब देखो यहां पे सेंटर का विंडो साइज कितना है, 2^m-1, मतलब 2^2-1 विच इज 4-1, 3। तो ये देखो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये जो ब्राउन से में यहाँ पे कौन सा कलर है, ये ब्राउन होता है या ग्रे सा कलर, हाँ ग्रे। तो ये देखो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है विंडो का साइज कितना है, 0, 1, 2, मतलब 3 है, लेकिन रिसीवर का साइज हमेशा याद रखना 1। यानी सेंडर तो एक बार में मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है, रिसीवर कहता मैं तो 1 ही एक्सेप्ट करूंगा। तो देखो फ्रेम नंबर 0 भेजा, एक्सेप्ट कर लिया, फिर 1 भेजेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, 2 भेजेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यही यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, बेसिकली यहाँ पे वही कह रहा है कि सेंटर का विंडो साइज क्या है, रिसीवर का विंडो साइज, ये जो थ्योरी लिखी है ये आप यहाँ से पढ़ लेना, वैसे मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे याद रखना विंडो को स्लाइड करने का मतलब क्या है, ये देखो जैसे विंडो 0, 1, 2 पे है, 0, 1, 2 पे इसने क्या करना है, 0, 1, 2 इकट्ठे एक बार में भेज देने हैं। ऐसे जैसे 0 भेजा, 1, 2 नेक्स्ट मूव पे कर गया, फिर विंडो नेक्स्ट मूव कर गई, विंडो नेक्स्ट मूव करती जाएगी जैसे जैसे हम एक एक पैकेट निकालते जाएंगे। बट एक बार में हम कितने भेजेंगे, जितनी विंडो का साइज है। अब विंडो से जैसे ही 0 निकल गया, या आपको दिख रहा है विंडो कहां पहुंच गई, यहां पे विंडो हमारी 0 और 1 जो है वो ये मेरे पास पहुंच गई, मतलब विंडो जो है हमारी 2 पे, अब 3 भी अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 भेज देंगे तो ये पूरी की पूरी विंडो हमने क्या कर दी, एक तरह से पूरी की पूरी विंडो हमने सेंड कर दी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, विंडो का साइज लेस देन 2^m होना चाहिए, विंडो का साइज नॉट ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर विंडो का साइज इक्वल है 2^m के तो प्रॉब्लम है। कैसे, ये देखो जैसे मैंने 0 फ्रेम भेजा, 1 फ्रेम भेजा, 2 फ्रेम भेजा, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरी विंडो का साइज कितना था, 3 था, क्योंकि 2^m-1, m की वैल्यू मैं 2 लेके चल रहा हूं, तो 2^2-1 मतलब 3, 0, 1, 2 मैंने फ्रेम भेज दिए। ये देखो सारे के सारे एक्नॉलेजमेंट क्या हो गई, लॉस हो गई, ले भी लॉस, ये भी लॉस, ये भी लॉस। अब होगा क्या, अब होगा क्या, जैसे ही इसने 0 एक्सेप्ट किया, ध्यान से देखना, 0 वाला इसके पास पहुंच गया, इसने 0 एक्सेप्ट कर लिया, 1 पे पहुंच गया, 1 वाला पहुंच गया, इसने 1 एक्सेप्ट कर लिया, 2 पे पहुंच गया, 2 वाला पहुंच गया, इसने 2 एक्सेप्ट कर लिया, ये 3 पे पहुंच गया। अब इसका ये जो आर एन पॉइंटर है कहां पे पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया, इसको अब चाहिए 3, और ये एक्नॉलेजमेंट भेजता जा रहा है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट हो गई लॉस। अभी टाइम आउट टाइमर तक वेट किया, अब इसको लगेगा कि यार टाइम आउट भी हो गया, कोई एक्नॉलेजमेंट आई नहीं, यानी ये समझेगा फ्रेम लॉस हो गए, इसने जी दोबारा से 0 वाला भेज दिया, दोबारा से 0, 1, 2 भेजेगा। जैसे इसने दोबारा से 0 वाला भेजा, ये किसको एक्सपेक्ट कर रहा है, 3 नंबर को, आ गया 0 नंबर, ये सिंपली क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और डिस्कार्ड करना ही चाहिए क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूं वो वाले फ्रेम, अगर दोबारा से फिर वही फ्रेम एक्सेप्ट कर लूंगा फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मैंने विंडो का साइज बराबर ले लिया, विंडो का साइज कितना ले लिया, 0, 1, 2, 3, ये देखो 3 तक ले लिया,
थ्री तक क्यों ले लिया, क्योंकि मैं टू रेस टू पावर m के बराबर, इस वाले में हमने टू रेस पावर m माइनस वन लिया था विच इज एक्चुअल वन, लेकिन यहाँ पे हमने बराबर लेके चल लिया। कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है सर बराबर क्यों नहीं है, सुन लो जी बराबर क्यों नहीं है, लो जी जीरो भेज दिया, वन भेज दिया, टू भेज दिया, थ्री भेज दिया, इकट्ठे भेज दिए, इसने जीरो एक्सेप्ट कर लिया, वन पे पहुंच गया, टू पे पहुंच गया, थ्री पे एक्सेप्ट कर लिया, थ्री को एक्सेप्ट करने के बाद ये देखो लास्ट पॉइंट पॉइंटर कहां पे खड़ा है, जीरो पे, इसको चाहिए जीरो वाला। अब इसने वेट किया, टाइम आउट टाइमर हो गया, ना जी जीरो ना वन ना टू ना थ्री कोई भी नहीं पहुंचा, ठीक है कोई बात नहीं हम दोबारा से जीरो वाला भेज देते हैं, मतलब ये वाला जीरो दोबारा से भेज देते हैं। जैसे इसने देखा जीरो मुझे चाहिए और जीरो ही आ गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, लो ये तो पंगा हो गया, ये जीरो वो नहीं है नए वाला, ये जीरो तो पुराने वाला था, सेम पैकेट को दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो गड़बड़ है। सो दैट्स व्हाई विंडोज साइज शुड ऑलवेज बी लेस देन 2 रेस टू पावर m, तो आप कितनी ले लो 2 रेस टू पावर m माइनस वन, ज्यादा कम क्यों करनी है, ठीक है ना, 2 रेस टू पावर m माइनस वन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पे पॉइंट छोटे छोटे याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो बैक n में आउट ऑफ ऑर्डर, कैन आई एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट, मतलब कहने का कि क्या रिसीवर, जैसे अगर सेंडर नहीं, देखो यहां पे सेंडर में हमने देखो जीरो से लेके सेवन, यानी टोटल यहां पे m की वैल्यू है थ्री, m की वैल्यू थ्री मतलब सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन बिट, तो यानी रेंज क्या बन गई जीरो से सेवन, तो देखो जीरो से सेवन, जीरो से सेवन, जीरो से सेवन कर दी। अब देखो विंडो का साइज क्या होगा, विंडो का साइज मैंने आपको पहले ही बताया, विंडो का साइज क्या होता है, टू रेस टू पावर m माइनस वन, टू रेस टू पावर थ्री एट, माइनस वन सेवन, तो देखो जीरो से सिक्स तक ये विंडो का साइज दिख रहा होगा सबको, जीरो से सिक्स तक विंडो का साइज। अब इसने क्या किया, फ्रेम नंबर जीरो भेज दिया, गेटिंग द पॉइंट, फ्रेम नंबर जीरो, फ्रेम नंबर वन टू थ्री सारे फ्रेम भेज दिए। लेट्स सपोज जीरो वाला यहां पे एक्सेप्ट हो गया, वो वन पे पहुंच गया, अब इसको वन वाला चाहिए, वन वाला यहां पे एक्सेप्ट हो गया, इसने टू पे पहुंच गया, गेटिंग द पॉइंट, ये टू पे पहुंच गया। अब होगा क्या, टू वाला यहां पे पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट टू, जो यहां पे एक्नॉलेजमेंट थी ना, ये देखो यहां पे टू वाली जो एक्नॉलेजमेंट थी, इसने पहले जीरो वाला एक्सेप्ट किया, वन एक्नॉलेजमेंट इसने भेज दी कि भैया जीरो पहुंच गया वन भेजो, इसने वन भेज दिया, वन पहुंच गया टू पहुंच। अब इसने टू वाला क्या कर दिया, टू वाली जो एक्नॉलेजमेंट है वो रास्ते में रह गई, टू वाली एक्नॉलेजमेंट रास्ते में रह गई। अब होगा क्या, अब इसने नेक्स्ट वाला फ्रेम आया थ्री, इसने थ्री भी एक्सेप्ट कर लिया, थ्री एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि उसने सारे एक बार में भेज दिए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव भेज दिए। अब इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर थ्री भेज दी, अब जैसे ही एक्नॉलेजमेंट नंबर थ्री आई, इससे सेंडर को क्या लगेगा, इससे सेंडर को लगेगा कि मेरा टू वाला भी एक्सेप्ट हो गया, गेटिंग द पॉइंट, क्यों आपके माइंड में आएगा, क्यों सर अभी तो एक्नॉलेजमेंट थ्री आई है, तो इसका मतलब जो है मेरा जो इससे पहले वाले पैकेट की तो एक्नॉलेजमेंट आई नहीं क्योंकि वो तो लॉस हो गई, लेकिन हम यहां पे यूज करते हैं कम्युलेटिव, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर थ्री आई ना, उससे वो समझ जाएगा सेंडर कि यानी जीरो वन टू वाला एक्सेप्ट हो गया, तभी वो कह रहा है कि तीन वाला भेजो। ऐसे एक्नॉलेजमेंट नंबर फोर आई, इससे ये पता लग जाएगा कि जीरो वन टू थ्री वाला एक्सेप्ट हो गया। कम्युलेटिव का मतलब क्या है, सबकी एक बार में भेजने की बजाय एक्नॉलेजमेंट आप इकट्ठी भी भेज सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। ऐसी एक और केस बनाया हुआ है, ये जो आउट ऑफ ऑर्डर वाला मैं बता रहा था, ये एक्चुअल में इस डायग्राम में है, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट का मतलब क्या है, मैंने जीरो वन टू थ्री सारे भेज दिए, इसने जीरो एक्सेप्ट कर लिया, वन की एक्नॉलेजमेंट भेज दी, वन वाला रास्ते में लॉस हो गया, वन वाला रास्ते में लॉस हो गया, लेकिन टू थ्री वाले जो है वो पहुंच गए। अब टू थ्री को ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, रीजन उसका क्या है, क्योंकि रिसीवर की विंडो साइज है वन, उसने जीरो को एक्सेप्ट कर लिया, वो वन पे खड़ा है कि मुझे वन आए, वन बेचारा रास्ते में लॉस हो गया, टू थ्री पहले पहुंच गए, अब वो टू थ्री को देखेगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी सुई अटकी हुई है वन पे। ये प्रॉब्लम है गो बैक एन में, जो कि नेक्स्ट वाले में नहीं है, सिलेक्टिव रिपीट में नहीं है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो विंडो मूव ही नहीं कर रही, वो विंडो खड़ी है एक पे कि मुझे एक नंबर पैकेट चाहिए, लेकिन टू थ्री की क्या गलती है, टू थ्री को धक्के से क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर देगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, ऑल्दो वो पहुंच गए थे, वो कहेगा ना मुझे तो वन ही चाहिए, तो देखो ये वन कुछ देर बाद दोबारा से सेंड करेगा, तब जाके उसकी विंडो नेक्स्ट टू पे मूव करेगी, ऑब्वियसली फिर टू भी दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, थ्री भी दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो गो बैक एन में आती है। सो आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ सीक्वेंस वे में ही पैकेट एक्सेप्ट करता है।